हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कवर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ज्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, आपको इजी वे में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बात याद रखिए, मेरे वर्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। क्या होती है, देखो अगर हमने कोई सर्फेस करा, सपोज करो ये हमारा सरफेस है, कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाएगा। इस फील्ड लाइंस को ही क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आ गया, यही बहुत इजी वे में हम आज इसको पूरा इसके बारे में इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और हम इसको आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आगे समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हमने देखना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ये समझ लिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल ये करते हैं। कई बार ना हम ये डाल देते हैं, पता है क्या, हाँ, अगर हम ये डाल देते सही हो जाता है, नो मैटर कि इसको बहुत जगह सही भी करा जाता है, लेकिन जो हमारे बोर्ड होते हैं उसमें क्या करते हैं, हमारे पॉइंट्स के भी मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए आप कोई चांस ही मत लीजिए, आप इसके नीचे इलेक्ट्रिक सिंबल का, फ्लक्स एक नहीं होते, फ्लक्स बोर्ड टाइप्स के होते हैं, तो हमने क्या करना है, ई इसके नीचे लगा देना है, ताकि ये सिंबलाइज क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबलाइज कर सकते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, क्या होती है वो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग अलोंग द एरिया वेक्टर और द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमने ये दूसरी डेफिनेशन कर ली, लेकिन इस चैप्टर में हमें इतना डीप नहीं करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, देखिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये मेन डेफिनेशन है। अगर आप ये छोटी सी डेफिनेशन भी लिख आते हैं ना, तो आपका वन मार्क पक्का हो गया। बेसिकली ये थ्री मार्क में पूछा जाता है, एज वेल एज इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये होता है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, हमने क्या करा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर या सरफेस। सरफेस को हम आगे क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को आगे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। देखिए, फॉर्मूला ऑफ क्या होता है, ई डॉट ए। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट तो आप खोल सकते, क्या आएगा, मोड़े कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसके बेस पर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तीन पॉइंट्स आपके हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन कर देंगे। देखिए, आपको हर जगह क्या करा जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा बताया जाएगा, लेकिन ना आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, एक स्मार्टली वर्क करना चाहिए। हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ये नहीं कि स्मार्ट वर्क करो अकेला, हार्ड वर्क नहीं, ये सब झूठी बातें हैं कि हार्ड वर्क वो करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता। तो हमें दोनों चीजें करनी है, स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे पता है कि ये जो चीजें हैं इनसे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट एज अ पूरा आवाज सोर्स है जो हमारे को सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट का आंसर जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, ये आप नोट्स बना सकते हैं इसके,
और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप कमेंट में जरूर बोल दिया करिए, ठीक है। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसको क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये वन इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, अब हम क्या करेंगे, और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करती है। अब हमने क्या कर दिया, इनको कंबाइन करके लिख दिया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनको कंबाइन कर दिया, क्योंकि एंगल मेजर आता है ना, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट आपको खोलना आता है, मोड़ी मोड़ी कॉस थीटा, और फ्लक्स, फ्लक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, कई बार ये सीबीएसई में क्वेश्चन पढ़ा जाया गया है कि हम फ्लक्स को क्यों स्टडी करते हैं, और हम फ्लक्स को एज इम्पोर्टेंट क्यों हम इसको वो करते हैं, तो इसका क्या होता है कि ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या है आपका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसकी डेरिवेशन आपको बता दी, हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल फॉर्म भी करेंगे, एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म करेंगे, इसके स्पेशल केसेस भी करेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत ही इजी वे में, आपको मुश्किल नहीं दिया जाएगा, आपको जो समझना है वो डायरेक्ट यहाँ पर समझा जाएगा। देखिए, दो चार पेज बनाकर आपको ज्यादा बताकर कन्फ्यूजन ही होती है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या करती है, जो एरिया वेक्टर या सरफेस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये एरिया वेक्टर कंसीडर कर, सिंबल क्या होता है ये हमने आपको बता दिया, सिंबल ये होता है, फॉर्मूला हमने इसका बता दिया, डेरिवेशन हमने इसकी कर ली है, छोटी सी इसकी एसआई यूनिट हमने आपको बता दी, अगली वीडियो में इसके क्या करेंगे, स्पेशल केसेस करेंगे, उसके बाद इसके इंटीग्रल फॉर्म, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है वो इंटीग्रल फॉर्म है, और उससे ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, जेई नीट और सीबीएसई बोर्ड में इंटीग्रल फॉर्म की डेरिवेशन भी बहुत बार पूछी गई है, तो स्टे ट्यून्ड, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।